Subscribe and press the bell icon to get updates on latest technology car music. Hello, welcome back guys. आज मैं फिर से आ गया एक नई वीडियो लेके। आज जो मैं आपको डिवाइस दिखाने वाला हूँ वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए, जो कि आपको मिल रहा है 10 इंची में, और आप 18 का प्यारा सा लोगो देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये आपको मिल रहा है 18 में। तो गाइज, आज मैं इसके आपको सारी कुछ दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको वायरिंग से लेके और आपके इसके जो फीचर्स हैं वो सब कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने इंटरफेस तो देख ही लिया है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीछे से इसका सारा कुछ है, और ये देखिए इसमें सब कुछ फिट बैठ जाएगा। कोई सब सारे कनेक्टर्स में सेट दिए हुए हैं, और कोई वायर कट नहीं करनी है। वायर की भी मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, इसका सारा कुछ मैं दिखा देता हूँ। चलिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके फीचर्स। तो इसमें फीचर्स में आपको मिल रहे सेटिंग, थीम, एंड्रॉयड GPS और APK इंस्टॉलर, ऑक्स, ब्लूटूथ, बूथ एनिमेशन, क्रोम और इक्वलाइजर। DSP भी इसमें मिल रहा है आपको। DSP मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मिल रहा है आपको 16 इक्वलाइजर में, और मैं इसमें और आपको मिल रहा है फाइल मैनेजर और सेटिंग, थीम, ये तो वही है, एक मिनट, गूगल मैप्स, म्यूजिक, फोन लिंक। फ़ोन लिंक मतलब इसका होता है जो मिरर लिंक, आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो पूरी की पूरी इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसे दिखता है। तो ये है, इसमें आप एंड्रॉयड USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हॉटस्पॉट का ऑप्शन है और कुछ नहीं है। तो इसमें आपकी पूरी फ़ोन की स्क्रीन इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है मिरर लिंक। तो चलिए, इसको बैक करते हैं और मैं दिखाता हूँ। इसमें प्ले स्टोर आपको मिल रहा है, रेडियो, स्टीयरिंग व्हील। अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील है तो कैनवास लगने के बाद इसमें सारा कुछ आप ये सेटिंग कर सकते हैं, आपके बटन इसमें सेट हो जाएंगे। और चलिए, अब मैं बैक करके दूसरा दिखाता हूँ। बाकी इसमें ये है यूट्यूब। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं आपको, और इसका क्या कहते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी वीडियो क्वालिटी आप साइड से कहीं से भी देखेंगे, आपको ये इसमें ब्लैक ब्लैक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये IPS डिस्प्ले में होता है और गोरिल्ला ग्लास है। और आप इसमें देख ही रहे हैं क्लियरिटी कितनी अच्छी है। और एक और मैं इसमें आपको फीचर्स दिखाने वाला हूँ, वो फीचर्स ये है। देखिए, जैसे ही मैं होम की दबाऊंगा, और ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये होता है PIP, पिक्चर इन पिक्चर। आप इसको कितना भी जूम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और ये देख ही रहे हैं आप। तो ये आप इसमें मैप चला रहे हैं तो अपनी वीडियो भी यहाँ प्ले कर सकते हैं। तो ये था PIP का। चलिए, इसको ही बैक करते हैं। और एक और जो फीचर्स है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें एक फ़ीचर बहुत अच्छा है, ये होता है स्प्लिट स्क्रीन। ये देखिए, मैंने इधर ड्रैग किया, इधर आपका मैप ऑन हो गया और इधर आपकी वीडियो प्ले हो गई है। तो ये होता है स्प्लिट स्क्रीन। तो आपने देख लिया, आपने मिरर स्क्रीन भी देख लिया और पिक्चर इन पिक्चर भी देख लिया, और ये स्प्लिट स्क्रीन भी देख लिया। तो चलिए, इसको काट देते हैं यहाँ से और इसको कर देते हैं बैक। तो गाइस, ये था इसका सारा कुछ, मैंने आपको फीचर्स दिखा दिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसकी आपको वायरिंग। तो वायरिंग में आपको देखिए, ये इसका मेन कपलर है, इसका मेन कपलर है। इसमें कोई वायर कट नहीं करनी है, सारा कुछ कपलर टू कपलर है। और इसके साथ जो डिवाइस वाली वायर मिल रही है वो देखिए, ये रहा। इसमें आपको RC केबल में एक एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन मिल रहा है, जबकि इसमें इंटरनल माइक का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, और ये आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। और इसके साथ मिल रहा है आपको क्या कहते हैं इसको, रिवर्स कैमरा के लिए कनेक्टर मिल रहा है। आपके अगर गाड़ी में रिवर्स कैमरा लगा हुआ है तो उसके लिए ये कनेक्टर है, इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका रिवर्स कैमरा भी ऑन हो जाएगा। और इसके साथ मिल रहे हैं आपको 2 USB पोर्ट, आप देख ही रहे हैं। और इसमें क्या कहते हैं, आपको मिल रहा है GPS एंटीना, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें इसके साथ इस दो कनेक्टर भी मिल, ये सॉरी लॉक भी मिल रहे हैं, जो आपकी इसमें कनेक्ट, जब आप फ्रेम लगाएंगे तो उसमें लगाने के लिए ये काम आएंगे। और इसके साथ मिल रहा है आपको एक माइक, ये एक्सटर्नल माइक भी है। इसकी वायर आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी है, तो इसे कहीं भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने 4/64 वाला डिवाइस लिया है, इसमें आपको कई वेरियंट मिल रहे हैं, 2 GB, 16 GB से लेके 6 GB, 128 GB तक इसमें वेरिएंट मिलते हैं। ये तो हो गई 2 GB, 16 GB और 232 तक की वायरिंग। और दूसरी वायरिंग जो होती है वो आ जाती है फिर सिम वाली वायरिंग। तो इसमें 6/128 या 4/64 लगाएंगे तो उसके साथ सिम वाला कनेक्टर आता है। तो ये देख रहे हैं इसकी वायरिंग, इसमें आपको सिम का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो ये होती है 6/128 और 4/64 वाले के लिए, तो इसमें आप सिम भी चला सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और ये मिल रहा है इसके साथ 4G एंटीना वायर, जो कि बहुत ही अच्छा पावरफुल काम करता है आपके नेटवर्क लाने के लिए। बाकी सेम वायरिंग है, बस ये दो चीज़ इसमें ऐड होती हैं, जो कि बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो गाइज़, आपको पूरी मैंने वायरिंग दिखा दी है, पूरी वीडियो दिखा दी।
पूरे वो सारा कुछ फंक्शन दिखा दिए हैं इसके, क्या क्या फीचर्स है वो सब कुछ दिखा दिए हैं। तो गाइस मिलते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले जैसे ही कोई वीडियो आती है, सबसे पहले आपको अपडेट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।